हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक अवर न्यू वीडियो। सो फाइनली मैं तुम लोग के लिए न्यू लेवल अप ग्लिच लेकर के आ गया हूँ, जिसको यूज करके तुम लोग 100x स्पीड से अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई आपने 2 दिन पहले लेवल अप ग्लिच के रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था अपने इस चैनल पर, जिसके क्राफ्टलैंड कोड को जब भी हम लोग सर्च कर रहे हैं तो मैप बैंड दिखा रहा है। तो भाई मैं तुम लोग के लिए न्यू लेवल अप ग्लिच लेकर के आ गया हूँ, जिसको यूज करके तुम लोग 100x स्पीड से अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना होगा। एंड हाँ, तुम लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं कि इस ग्लिच को यूज करने से आप लोग का आईडी भी सस्पेंड नहीं होने वाला है, एंड आप लोग का आईडी भी बैन नहीं होने वाला है। एंड इस ग्लिच को आप लोग ऑटो क्लिक करके साथ भी यूज कर सकते हो, लेकिन कैसे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान सर्वर से हो, नेपाल सर्वर से हो, बांग्लादेश सर्वर से हो, तो भी आप लोग इस लेवल अप ग्लिच को यूज कर सकते हो। आप लोग के लिए भी मैंने आपके सर्वर पर लेवल अप ग्लिच का क्राफ्टलैंड कोड क्रिएट कर दिया है। एंड एक बार आप लोग मेरा एक्सपीरियंस नोट कर लो, 52,45,032 है। एंड एक बार मेरा हॉर्नर स्कोर देख लो, पूरा को पूरा 100 है। ये सब मैं आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस ग्लिच को यूज करने से आप लोग का आईडी भी सस्पेंड नहीं होगा, एंड आप लोग का हॉर्नर स्कोर भी माइनस नहीं होगा। मैं आप लोग को एक बार अपना हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। 7:24 पर मैंने लास्ट रैंक मैच खेला है। एंड इस वीडियो में आप लोग से सब्सक्राइब भी नहीं मांगूंगा, लाइक भी नहीं मांगूंगा, एंड वीडियो को शेयर करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। लेकिन यार, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आप लोग अच्छे से ग्लिच को यूज करो, आप लोग का अकाउंट भी ब्रॉन्ज ना हो, तो आप लोग को भाई जो मैं बता रहा हूँ ना, उस बात को अच्छे से सुन लो। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको लेवल अप ग्लिच को कैसे यूज करना है आप लोग समझ नहीं पाओगे, एंड फिर शायद आप लोग का आईडी भी ब्रॉन्ज हो जाए। तो इसीलिए भाई अच्छे से वीडियो को बिना स्किप करे देख लेना। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ आप लोग का बिना टाइम वेस्ट करे। एंड हाँ भाई, इस वीडियो का फुल क्रेडिट भी मेरे सब्सक्राइबर रिकी भाई को जाता है, जो कि महाराष्ट्र के हाईएस्ट लेवल प्लेयर है। आप लोग को पता है भाई, पहले महाराष्ट्र के हाईएस्ट लेवल प्लेयर डैडी कॉलिंग थे, जिनका लेवल 93 था। लेकिन हमारे रिकी भाई का हाईएस्ट लेवल है महाराष्ट्र में, इनका लेवल 97 है। एंड साथ ही हमारे महाकाल भाई का 95 लेवल है, एंड ये दोनों ही महाराष्ट्र के हाईएस्ट लेवल प्लेयर हैं। अब आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे देख लेना। क्राफ्टलैंड का कोड मेरे को मिल गया है, क्राफ्टलैंड का कोड भी मैंने सर्च कर लिया। क्राफ्टलैंड का कोड मिलते ही आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, ऑब्वियसली बात है, कोड को सर्च करके गेम को स्टार्ट करते हो। लेकिन यार, आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, अभी मैं दिमित्री लेकर के आ गया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग को सच में 1 घंटे में 1 लाख से ज्यादा एक्सपीरियंस मिले, भाई इन 2 बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक तो आप लोग को दिमित्री लेकर के नहीं खेलना है। अगर आप लोग लेवल अप ग्लिच का यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ होमर कैरेक्टर को लेकर के खेलना है। अगर आप लोग कोई दूसरा कैरेक्टर लेकर के खेलोगे तो आप लोग को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम मिलेगा। एंड आप लोग को गेम किस तरीके से बैक करना है, कौन से बॉक्स पर आपको सही टिक करना है, राइट का टिक करना है, वो सब पहले आपको अच्छे से जान लेना है। सबसे पहले तो आपको दिमित्री लेकर के नहीं खेलना है। तो इस गेम को हम लोग जल्दी से बैक करके सबसे पहले आपको कैरेक्टर वाले सेक्शन पर आ करके अपने दिमित्री कैरेक्टर को चेंज कर लेना है। आपको सिर्फ होमर कैरेक्टर लेकर के खेलना है लेवल अप ग्लिच को यूज करते टाइम। अगर आप लोग होमर को लेकर के नहीं खेलोगे तो आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम मिलेगा। एंड हाँ, अगर तुम लोग का क्राफ्टलैंड का लेवल अप ग्लिच को यूज करते टाइम गेम स्टार्ट नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन भी तुम लोग को इसी वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोग को इस बॉक्स से बिल्कुल भी नहीं हिलना है, ठीक है। देखो, अभी मैं होमर लेकर के आ गया हूँ एंड तुम लोग को ग्लिच करके दिखाने वाला हूँ। मेरे अपोनेंट में आया है WH कैप्टन, ठीक है। एंड तुम लोग देख सकते हो, सबसे पहले तुम लोग को इस बॉक्स से इधर उधर नहीं निकलना है, अपने होमर कैरेक्टर को छोड़ देना है। जब 10 सेकंड बचेंगे बॉक्स को ओपन होने पर, जब 3 सेकंड्स बचेंगे तो बैक वाले बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग का 3 सेकंड्स खत्म हो जाएगा, मोबाइल डाटा को ऑफ कर देना है, जो आपका इंटरनेट होता है। आप लोग का ये ग्लिच वाईफाई पे वर्क नहीं करने वाला है क्योंकि वाईफाई बहुत ज्यादा टाइम लेता है। एंड जैसे आप लोग का पिंग 999+ हो जाएगा तो आपको अपने इंटरनेट डाटा को ऑन कर देना है एंड गेम को बैक कर देना है। किसी भी बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है। मुझे पता है तुम लोग को ग्लिच समझ नहीं आया, एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। अभी अच्छे से सुन रहा एंड बहुत स्लोली स्लोली बताने वाला हूँ, ठीक है। आपने क्राफ्टलैंड वाले सेक्शन पर क्राफ्टलैंड के कोड को फिल करा, आप लोग का गेम स्टार्ट हुआ। जैसे ही आप लोग का गेम स्टार्ट होगा तो ऊपर एक टाइमर चल रहा है, 11 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड के बाद आपको सबसे पहले अपने होमर कैरेक्टर को छोड़ देना है। और जब ऊपर जो ये टाइमर चल रहा है ना, जैसे ही 3 सेकंड्स बचेगा तो ये बैक वाले बटन पर क्लिक कर देना है। पर गेम को अभी बैक नहीं करना है, जब आपका वो 3 सेकंड का टाइमर खत्म होएगा तो सबसे पहले अपने मोबाइल डाटा को ऑफ कर देना है और इतना टाइम का वेट करना है कि आपका पिंग 999+ लग जाए। और जैसे ही आपका गेम का पिंग 999+ लग जाए तो आपको मोबाइल डाटा को, इंटरनेट को ऑन करके गेम को बैक कर देना है। किसी भी बॉक्स पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको बैक करते टाइम 4 बॉक्सेस दिखेंगे। अगर आप लोग बॉक्सेस पर क्लिक करोगे ना तो ये क्राफ्टलैंड का कोड भाई फिर से बैन हो जाएगा। आप लोग में से बहुत सारे सब्सक्राइबर ने क्राफ्टलैंड के कोड को बैक करते टाइम बॉक्स पर क्लिक किया है, जिसके वजह से माना क्राफ्टलैंड का मैप बैन हो गया। एंड तुम लोग के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारा क्राफ्टलैंड का मैप स्टार्ट नहीं होता है, इस कोड में गेम स्टार्ट नहीं होता है, बहुत टाइम लग जाता है गेम को स्टार्ट।
स्टार्ट होने में, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। लेकिन एक लास्ट बार अच्छे से बहुत ज्यादा धीरे आप लोग को ग्लिच बताने वाला हूँ। देखो ऊपर एक टाइमर चल रहा है 10 सेकंड्स 9 सेकंड, जब ये टाइमर 10 सेकंड से कम हो जाए तो आपको होमर को यूज कर लेना है। एंड जब ये टाइमर 3 सेकंड्स पर आ जाएगा जैसे अभी आया है, तो उस टाइम पर आपको अपने मोबाइल फोन के बैक बटन पर क्लिक कर देना है। आप लोग को 3 सेकंड्स लगते हैं कंफर्म पर क्लिक करने के लिए, क्योंकि 3 सेकंड्स का टाइम मांगता है बटन पर क्लिक करने के लिए जो कंफर्म वाला ऑप्शन है। देखो मैं फिर से वीडियो में दिखा रहा हूं, देखो ये 3 सेकंड्स ले रहा है ना कंफर्म पर क्लिक करने के लिए, तो इसीलिए 3 सेकंड्स पहले आपको बैक कर देना है। एंड ये इट्स बोरिंग द मैच, ये जो 4 बॉक्सेस है इन पर किसी पर भी टिक नहीं करना है, ठीक है। देखो इतना तो आप लोग को समझ आ गया होगा। देखो जब 3 सेकंड बचेंगे बैक वाले बटन पर दबाना है, और जब वो 3 सेकंड्स खत्म हो जाएंगे, जब ये 000 सेकंड्स आ जाएंगे ना, तो उस टाइम पर आपको डाटा को ऑफ करना है। जब 00 सेकंड आ जाएगा तब आप लोग को डाटा ऑफ करना है। और जब आप लोग का पिंग 999 प्लस हो जाए, आप लोग को पता होगा ना आपका पिंग कितनी देर में 999 प्लस होता है, तो जब आपका गेम का पिंग 999 प्लस हो जाए तो आपको डाटा को ऑन करना है एंड कंफर्म पर क्लिक कर देना है, मतलब गेम को बैक कर देना है। गेम को बैक करने से पहले डाटा ऑन कर लेना, ठीक है। एंड भाई तुम लोग को गेम बैक करते ही एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक्सपीरियंस तुम लोग को कैसे मिलेगा, देखो ये एक ग्लिच है, आपका कैरेक्टर बैक आ जाता है लेकिन बैकग्राउंड में आपका गेम चल रहा होता है, और एक गेम को खत्म होने 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो आपको भाई 5 से 6 मिनट बाद एक्सपीरियंस मिलेगा, 5 से 6 मिनट बाद आपको हिस्ट्री में आपका गेम दिखाएगा। और हाँ, आप लोग इस ग्लिच को ऑटो क्लिकर के साथ यूज कर सकते हो। ऑटो क्लिकर का अगर आप लोग को सेटअप चाहिए तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ऑटो क्लिकर अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो आप लोग का आईडी ब्रॉन्ज हो सकता है। तो वही इन माय सजेशन सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप लोग हाथ से इस ग्लिच को यूज करो, 3 घंटा 4 घंटा आप लोग को जितना घंटा यूज करना है हाथ से करो, लेकिन ऑटो क्लिकर का यूज मत करो। अगर आप लोग का आईडी ब्रॉन्ज पर आप लोग को चलेगा तो आप लोग ऑटो क्लिकर का यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर देख लो मैंने कोई और मैच नहीं खेला, मैं आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। एंड एक गेम में आप लोग को देखो 60 एक्सपीरियंस, देखो मेरे को 60 एक्सपीरियंस मिला ना, पहले मेरा एक्सपीरियंस 32 था एंड अभी 84 हो गया, मतलब मेरे को 55 से 60 के बीच का एक्सपीरियंस मिल गया, बट अभी मेरा गेम हिस्ट्री में शो नहीं कर रहा है। तो हिस्ट्री में गेम शो करने के लिए मेरे को एक बार गेम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। देखो मेरे 2 गेम हिस्ट्री पर शो हो गए हैं एंड मेरा हॉर्नर स्कोर 1 भी माइनस नहीं हुआ है। तुम लोग टाइमर मैच कर लो, तुम लोग देख लो मेरा एक्सपीरियंस 83 से 134 हो गया, मतलब अभी मेरे 2 गेम कंप्लीट हुए, मैंने 3 से 4 गेम ग्लिच यूज किया एंड मेरे 2 गेम बैक हो गए। एंड 2 गेम बैक करने से मेरे को 100 प्लस का एक्सपीरियंस मिला है। तो समझ रहे हो मेरे पास सिर्फ 50% एक्सपीरियंस कार्ड है। अगर आप लोग के पास 100% एक्सपीरियंस कार्ड होगा तो तुम लोग बहुत इजीली 1 घंटे में 1 लाख से भी ज्यादा एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ग्लिच मतलब होता है कि जैसे ही गैरिना की नजर में ग्लिच आएगा तो गैरिना गेम से इसको रिमूव कर देगी। तो जितना ज्यादा यूज हो सकता है इसका यूज करो, नहीं तो ये बहुत जल्दी फिर से बैन हो सकता है। देखो फिर से बैन होएगा तो मैं नया कोड बना दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। लेकिन तब तक आप लोग इसका भरपूर यूज करो, आप लोग का आईडी सस्पेंड नहीं होगा अगर आप लोग अच्छे से ग्लिच को यूज करोगे, ठीक है। और देखो यार मुझे पता है कि मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग वीडियो यहां तक देख रहे हो तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा हूं, टेंशन मत लो। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर लो। और हाँ, अगर तुम लोग को क्राफ्टलैंड का कोड चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वैसे तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में कमेंट में क्राफ्टलैंड का कोड मिल जाएगा। बट अगर आप लोग कॉपी नहीं कर पा रहे हो, इनवैलिड कोड दिखा रहा है, तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं आप लोग को लेवल अप ग्लिच का कोड सेंड कर दूंगा। एंड अभी लाइक ग्लिच का कोड को भी गैरिना ने बैन कर दिया है।